सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित दो की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रिश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेटकर गुप्ता शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्म के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पीएस पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी या कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजेडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवार एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोर ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे, तो करेंगे तो हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहाँ पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्रा सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रिश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर 20 साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था। आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षो तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खुद को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रिश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजिडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्रा सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर 20 साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था। आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षो तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे, तो करेंगे तो चलिए सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृत ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा करने तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उपप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफ़ी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती है जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर जहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोर ने खित को काश्मीर मूल के, कास्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे, तो करेंगे तो चलिए सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृत ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्म कांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पीएस पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहाँ पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जिसू सेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंतारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया

प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजिडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्रा सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस सौ में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खुद को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृत ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा करने तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है घेजता है उन्नीस सौ पचासी में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजिडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेटकर जिसू सेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस सौ में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोर ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटरू है थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनु राघोपुड़ी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेटकर जिसू सेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पीएस पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी। आफरीन आफरीन ने आफ्रीन ने इनकार कर दिया, तो मेहता ने उससे महीने के भीतर लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवार एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंतारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान करोड़ की कमाई कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा करने तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहाँ पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्रा सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रिश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर 20 साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था। आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षो तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर मूवी का, करेंगे और का जानेंगे। अगर पसंद आए तो को एक लाइक जरूर करिए तो करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी। आफरीन आफरीन ने आफ्रीन ने इनकार कर दिया, तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजिडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघोपुड़ी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे, तो करेंगे तो चलिए सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में, 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 में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफ़ी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवार एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोर ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटरू हैं थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनु राघोपुड़ी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेटकर जिसू सेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पीएस पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी। आफरीन आफरीन ने आफ्रीन ने इनकार कर दिया, तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती हैं। लेकिन उसे पता चलता है लेकिन कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंतारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं, के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है, और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के थैंक्स फॉर रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित दो की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेलकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव की कमाई कमाई की, जो नवी सबसे ज्यादा करने तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए घेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजीडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहाँ पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्रा सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रिश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीता रामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानबे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस सौ में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघोपुड़ी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान चार करोड़ की कमाई की जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक के रूप में, में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी। आफरीन आफरीन ने आफ्रीन ने इनकार कर दिया, तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजिडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर है के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूर ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेनवास किए गए किशोरे ने खत को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर थैंक्स फॉर मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर तो तो सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृत ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में है जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेगेकर जीसुसेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनाथ सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2021 में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद काश्मीर और रूस में फिल्मकांत के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छायाकांत पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यान दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रमक पाकिस्तानी उप्रदावी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय परोपकारी आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी। आफरीन आफरीन ने आफ्रीन ने इनकार कर दिया, तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिजियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं उन्नीस में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी नूरजहाँ ने बीस साल पहले लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दान कर दिया था आफरीन अनिच्छा से अपने भारतीय वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट एक सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि 1965 में ब्रेन वॉश किए गए किशोरे ने खित को कश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेल्वन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर है थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीतारामम मूवी का रिव्यू करेंगे और मूवी का फाइट जानेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सीतारामम हनुराघपुरी द्वारा निर्देशित 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है वैजयंती मूवीज और स्वप्राम सिनेमा के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में दुलकर सलमान और मृताल ठाकुर प्रमुख भूमिकाओं में हैं जिसमें रश्मिका मंदना सुमंत सचिन खेंगेकर जिसू सेन गुप्ता मुरली शर्मा और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं उन्नीस में स्थापित एक काश्मीर सीमा पर सेवारत एक अनास सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट राम की कहानी बताती है जिसे सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने अपने प्यार का प्रस्ताव देने के मिशन पर निकलते हैं मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल 2022 में हैदराबाद कश्मीर और रूस में फिल्मकान के साथ समाप्त हुई फिल्म का संगीत विशाल चंद्रशेखर द्वारा तैयार किया गया था छाया का पी एस विनोद और श्रेयस कृष्णा द्वारा तैयार किया गया था सीतारामम को हनु के निर्देशन कहानी पटकथा लेखन साउंड ट्रैक संगीत स्कोर भावनात्मक वजन और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए पर समीक्षा मिली फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी जिसने बॉक्स ऑफिस पर इक्यानवे दशमलव चार करोड़ की कमाई की जो दो की नवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई और इस मूवी की कुछ कहानी की बात करें तो कहानी यह कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि पर आधारित है उन्नीस में पाकिस्तानी चरमपंथी अंसारी अपनी साजिश के माध्यम से भारतीय सेना को मोहरा बनाकर काश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच भाईचारे के बंधन को तोड़ना चाहता है जिसके एक हिस्से के रूप में वह कुछ दिमाग से धोए गए किशोरों किशोरों को कश्मीर में अपने मूल निवासियों के रूप में रहने के लिए भेजता है उन्नीस में एक आक्रामक पाकिस्तानी आफरीन से लंदन में उसके विश्वविद्यालय के डीन ने एक भारतीय आनंद मेहता से माफी मांगने की मांग की जिसने पाकिस्तानी झंडा जलाने के प्रतिशोध में उसकी कार में आग लगा दी जब आफरीन ने आफरीन ने इनकार कर दिया तो मेहता ने उससे एक महीने के भीतर दस लाख रुपए का मुआवजा देने का देने का देने को कहा अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाएगा आफरीन अपने बिछड़े हुए दादा अबू तारिक जो पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं के साथ मेल मिलाप करने और उनसे पैसे लेने की पहल करती है इसलिए वह कराची पाकिस्तान के लिए उड़ान भरती है लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई है और उसे स्वयं 1965 में लिखे गए कुछ दिन पहले बीमारी से मृत्यु हो गई और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट राम को एक पत्र भारत के हैदराबाद की सीता महालक्ष्मी को देना है जो उसके दादाजी डॉग से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं तारीख की वापस वसीहत के अनुसार सीता को पत्र दिए जाने के बाद ही वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी कोई विकल्प न होने पर आफरीन हैदराबाद के नूरजहां पैलेस में जाती हैं जहाँ पत्र भेजने का इरादा होता है लेकिन उसे पता चलता है कि महल को उसकी राजकुमारी वरिष्ठ बालाजी की मदद से मदद लेती है और एक अकाउंटेंट सुब्रमण्यम से मिलती है जो लगभग चालीस वर्षों तक नवाब के लिए महल में काम करता था और सीता के बारे में पूछताछ करता है लेकिन उसे महल में इस नाम के किसी व्यक्ति के कार्यर्थ होने की याद नहीं आती है आफरीन ने राम के बारे में विवरण का पीछा करने का फैसला किया वह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें सीता तक ले जा सकता है और एक सैन्य पुस्तकालय से वह राम की रेजिमेंट के बारे में विवरण एकत्रित करती है और बालाजी के साथ अनंतपुरम में अपने रेजिमेंट साथी विकास वर्मा से मिलती है विकास ने दोनों को बताया कि उन्नीस में ब्रेन वॉश किए गए किशोर ने खित को काश्मीर मूल के काश्मीरी काश्मीर के मूल निवासी के रूप में स्थापित किया और अनजाने में अंसारी ने एक जासूस के माध्यम से भारतीय सेना के मेजर सेलवन को उनके विवरण लीक कर दिए जिन्होंने राम के विरोध के बावजूद राम के वरिष्ठ विष्णु शर्मा को उनकी हत्या करने का आदेश दिया कुछ इस तरह से इस मूवी के फाइटर हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो